सुपौल जिला मुख्यालय स्थित मिलन मैरिज हॉल में जदयू के संगठन चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ नेता और कई विधायक पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इस बैठक में जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें एक बार फिर से रामविलास कामत को जदयू जिला अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया। 11:30 बजे का समय था निर्धारित। समय में ओम प्रकाश यादव जी, लखन ठाकुर जी, बीना भारती जी और अंजू प्रसाद यादव जी ने रामविलास कामत जी का नाम का प्रस्ताव दिया। एकमात्र नाम रामविलास कामत जी का नाम का प्रस्ताव आया। नामांकन पत्र की जांच की गई, जांच में चारों सेट का नामांकन सही पाया गया और एकमात्र नामांकन होने के कारण अब चुनाव की स्थिति नहीं बनती है। चुनाव की स्थिति बनने पर कल चुनाव होता, लेकिन अब चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए उनके नाम का घोषणा कर दिया गया है। आप पुनः रामविलास पासवान, रामविलास कामत जी सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, सभापति हारून रशीद साहब, विधायक अनुज प्रसाद यादव जी, बीना भारती जी, पूर्व विधायक लखन ठाकुर जी और हमारे संगठन के जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से हमें समर्थन देकर के एक बार पुनः जिला का अध्यक्ष बनाया है।